नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के पेवा चौक से। और आज हम कैथल के पेवा चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों ने जीरी की खरीद न होने के कारण कैथल के पेवा चौक को जाम कर दिया है। और लगातार आपको ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कैथल के पेवा चौक की तस्वीरें आप देख रहे हो। कैथल के पेवा चौक पर किसानों ने जीरी की खरीद न होने पर जाम लगा दिया। और यहाँ पर तहसीलदार साहब जो है मौके पर पहुँची हैं, लेकिन किसानों ने तहसीलदार साहब की भी बात को मानने से इनकार कर दिया। और एक ही बात को बोलते हुए लगातार किसानों ने नारेबाजी शुरू कर रखी है कि पहले मंडी में जो जीरी है वो खरीदी जाएगी, जब तक वो खरीदी नहीं जाएगी तब तक कैथल के पेवा चौक को ऐसे ही जाम रखा जाएगा। आप लगातार ये तस्वीरें कैथल के पेवा चौक से देख रहे हैं और यहाँ पर किसान नेता भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ना जी भाई, ये तो था जाम क्यों लगाया गया? जाम 3-4 दिन हो गए प्रशासन ने और सेलर वालों ने भरपेट से। 3-4 दिन हो गए प्रशासन ने और अधिकारियों ने, सेलर वालों ने मजाक बना दिया किसान का। जीरी लिख ली बोले तुलगी तुलिया एक होनी रजिस्टर में लिखा है, बैठ जाए। आज गए मुक्त कट्टा के रहते राम बरस गया, मारा के खोटा है मारा थोड़ी खोटा जी रजिस्टर में लिख ली राम बरस गया मुक्त। फिर ज्यादा होगा मुक्त तो कम होगा कोई होगा। राम बरस गया गिल्ली होगी और क्या होगा, वो तो सरकार की होगी, गिल्ली मारी थोड़ी हुई है। तहसीलदार साहब मौके पे आए, तहसीलदार साहब तो नाटक रहना था, जाम खुलवाना आता न्यू, थोड़ी जाम खुलेगा, जाम जो खुलेगा 70% जीरी खरीदी जाएगी। इतने किसान उड़े बैठे हैं, हम तो 24 घंटे के उड़े यहाँ उड़े रवाने रोटी पानी सादा उड़े आवेगा। इतने किसान दुखी रहेगा तो हम किसान गला से मरा था जीवा उड़े भुखे बैठा के रोटी वाले बधेरे आवेंगे गुरुद्वारा में जाते रोटी। महावीर जी, सरकार प्रशासन कह रहा है कि धान की खरीद हम कर रहे हैं, सारी बकवास कर रहे हैं। 3 दिन हो गए फुद्दू बना दिया किसान का, जिम्मेदार का, आरती अरे सेलर वाले फुद्दू बना रहे हैं। गवर्नमेंट मिली हुई है, पैसे खा लेती है। रेट 1960 का है, बिल काटा 1960 का, देवे 1700 मरता है। माने क्यों केक आउट कर दिया मैंने, हमने पूरे पैसे ले गए और ना भी मुफ्त ज्यादा कर दे। सरकार कह रही है कि दाना दाना खरीदेंगे, दुष्यंत चौटाला कह रहे दाना दाना, दुष्यंत चौटाला इतना छोटा आदमी रहना, मैं एक नहीं, मेरा MSP थी रहेगी, MSP थी रहेगी, मैं सीधे काम इनका तो दलाल है सरकार के, एजेंट है तो करेंगे। अब किसान रेट तय करेगा अपनी फसल का, टाइम आ चुका है, लक्ष्मी और झंडा भी तय करेगा किसान का रेट। लक्ष्मी और डंडा भी साथ में लेकर चलेंगे, देखते हैं सरकार में कितना दम है। जीरी डान खरीदनी होगी तो खट्टर साहब क्या बकवास करता है, उसको बोलने का नहीं पता सीएम किसने बना दिया हो, क्या सीएम योग्य हो, उस पर केस दर्ज होना चाहिए। खट्टर साहब है मैं 3 दिनों में कह रहा हूँ अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले केस खट्टर होना चाहिए। अभी 9 तारीख को, 9 तारीख को देखें क्या होगा। आकर दिखा दिए उड़ा अपनी माँ का दूध पी से, कैथल में आकर दिखा दिए खट्टर, खुला चैलेंज है, ये प्रशासन भी सुना और सीआरडी भी सुना, आकर दिखा दिए खट्टर ने अपनी माँ का दूध पी से कैथल में आकर दिखा दिए। लगातार 3 दिन से चैलेंज है मेरा, किस कोई भी अखबार ठेका देख ले, कोई मीडिया ठेका देख ले। लगातार किसान नेताओं द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि आप सहयोग दें और जब तक जीरी की खरीद नहीं होगी तब तक किसानों द्वारा जाम जो है नहीं खोला जाएगा। ये लगातार किसान नेताओं का कहना है, देखना होगा कि कब तक ये जाम की स्थिति बनी रहती है और कब तक जो है किसान अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार हम तो ये मानते कि हमारा माल तुल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कारण है खरीद शुरू क्यों नहीं हो पा रही, जो नमी है वो 17 से ऊपर बता रहे हैं अधिकारी। 17 से आज तो 20 हो जाएगी, कल 17 थी, बारिश हो गई तो 20 हो जाएगी, रोज बारिश होने लग रही है। आज भी मौसम गर्मी है, आज बरस गया ये 25 हो जाएगी जी। तो जैसे रात बारिश हुई है कितना नुकसान है मंडी में? नुकसान तो तकरीबन मान के चलो कि 40% नुकसान है जी, जो कि जीरी पानी से खत्म होगी, आगे रुड़गी बरसात की जोर से पानी से रुड़गी, खत्म होगी जीरी हमारी। जीरी चाहे की मंडी में पड़ी पड़ी और जी आज ना आज ना चकेगी और जीरी जाम जानी है नीचे, जितने भी जीरी जाम जानी है। कितने दिन से लेके आ रहे हो मेरी जीरी? 6 दिन हो गया मंडी में पड़ी, 1500 जीरी है मेरी।
मुक्चर मशीन लगवाऊ बोले मुक्चर मशीन मार्केट कमेटी खराब है। फिर किसान कहाँ से लाएगा मुक्चर मशीन? मेरे को इस बात का जवाब तो दो। खेत में सुखी जीरी बटकाई है, जीरी खेत में सुखी जीरी बटकाई है, जब उड़ा राम बस जाए मारा हाथ में, और परमात्मा जाने मैंने सारे दिन लिया जीरी को, मैंने पलट भी लिया, मैंने तीन चार बार पलट लिया जीरी को, मैंने सारे काम कर लिए, फिर भी मेरी जीरी मुक्चर बता रहे हैं, आज भी मेरी जीरी मंडी में पड़ी है। जी आप बताइए जी, बोलना लग रहा भाई नहीं, आप भी तो धान लेकर हो गए, आप भी धान लेकर हो मंडी में? हाँ। तो कितने एकड़ की लेकर हो आप? 2 किलो लेकर। क्या नाम है? राजमल है जी, राजमल। कौन से गांव से? बूढ़ाखेड़ा से। कितनी जीरे लेकर आए हो? 2 किलो जीरे लेकर आया। 5 दिन हो गए, नहीं बिकी। कारण जो सेलर वाले प्राइवेट चीके वाले ने नहीं खरीदने देंगे, चीके वाले की भी नहीं आने देंगे। सरकार वादे वादे करती है और धरातल में कोई चीज नहीं है। खट्टर नहीं है, खटारा है, धक्का ला के चलने वाली चीज है यार। दूसरे तो उखड़ भर का मुंह वाला। हाँ जी है? कोई नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ जी, इससे पहले कभी ऐसी नौबत आई थी जैसे किसान आज आपकी बात? 7 साल हो गए बीजेपी ने, आज नहीं यही नौबत है। हाथ में बस फोटो स्टेट है, कभी आधार कार्ड की है, कभी वोट कार्ड की है, कभी किसी चीज़ की है, दूसरी चीज़ नहीं है। और बाकी जो भी फसल बेचनी है या खाद लेना है, लाइन में लगो, धक्के खाओ, धरने प्रदर्शन करो, इससे भी ना दूसरी चीज़। 7 साल में कुछ भी नहीं है। पहली सरकार है, मैं थोड़ा बहुत वो ये करता, वो दोबारा थोड़ी बहुत ही धरना प्रदर्शन से बात का समाधान हो जाता। खट्टर की ऐसी रैली कराएंगे तो याद रखेगा। हाँ, डेरी भी की थी पाई की मंडी में, अब लग बारदाना नहीं पहुंचे। 16.8 मोक्चर था डेरी का, अब लग भी बारदाना नहीं पहुंचे पाई की मंडी में। और इसके ऊपर बारदाना कैथल की मंडी में बिल्कुल नहीं है, नाम भी नहीं बारदाना का। 17 वाली का तो उस पे 16.8 2-3 व्यापारी है, वो चीका की चीका के व्यापारी को नहीं आने देंगे। और इससे ऊपर किसान के हमने जो गुणा खरीदता का वाए चाहिए, जुड़ा खरीदा का हो चाहिए हमने तो, ये बैठे हैं इनका क्या फायदा? तो आप लगातार देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, यहाँ पर पेवा चौक पर, कैथल के पेवा चौक पर जो है जाम लगा दिया गया है, और किसानों द्वारा लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रैली के साथ, इसमें भी जीरी है भरे हुए ट्रैक्टर ट्रैली जो है यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं चारों तरफ, चौक के चारों तरफ, जिससे कि ये रास्ता जो है पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुका है। कैथल का जो पेवा चौक का आप ये दृश्य है, ये जो आपके मोबाइल पर आप देख रहे हैं कैथल के पेवा चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने जीरी न बिकने के कारण जाम लगा दिया है। और लगातार किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक जीरी नहीं बिकेगी तब तक ये जाम बना रहेगा। मौके पर तहसीलदार भी पहुँची थी, लेकिन किसानों ने दो टूक कहते हुए उनको भी साफ तरीके से बोल दिया कि हम जाम जब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी जीरी की जो फसल है वो नहीं बिक जाती। और लगातार आपको इस प्रकार की जो है अपडेट असली खबर देता रहता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। लगातार ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही सच्ची और असली खबरों के लिए आप देखते रहें असली खबर। असली खबर पर आपको अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये कैथल के पेवा चौक की तस्वीरें हैं। कैथल के पेवा चौक से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कैथल के पेवा चौक की तस्वीरें, और चारों तरफ कैथल के पेवा चौक पर लगातार किसानों द्वारा जाम लगाया जा रहा है। और ये जाम जो है कब तक, ये जाम जो है कब तक रहेगा? तब तक जब तक रहेगा जब तक किसान जो है किसानों की मांगे जो है नहीं मान ली जाती। और यहाँ पर लगातार
किसानों ने जो है जाम लगा दिया है। चलिए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।